हेलो भाई, मेरा नाम है मयंक देशवाल और भाई आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ ऑल्टो का VXI वेरिएंट। तो बेसिकली इस गाड़ी का आज हम करने वाले हैं फुल वॉक अराउंड की आपको क्या कुछ गाड़ी के अंदर लेंथ विड्थ वगैरह मिल जाती है 2021 के अंदर और BS6 इंजन के साथ ही आती है। और आज का हमारा ये पेट्रोल वेरिएंट रहने वाला है। सबसे पहले आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है दो की, जिसमें आपका एक फिजिकल की है और एक आपको रिमोट की मिलती है, और ये भी आपकी फिजिकल की है तो आपको सिंगल रिमोट की गाड़ी के अंदर मिल जाती है। सबसे पहले हम गाड़ी की बात करते हैं भाई डायमेंशन के बारे में, कैसे कुछ आपको लेंथ वगैरह मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गाड़ी की लेंथ के बारे में बात करें तो लेंथ गाड़ी के अंदर पड़ती है आपको 3445 mm की। देन आपको गाड़ी के अंदर वाइड पड़ जाती है भाई 1515 mm की। हाइट की बात करते हो तो भाई वो पड़ती है आपको गाड़ी के अंदर 1475 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस पड़ता है 160 mm का, मतलब जो इससे पहले मैंने आपको वेरिएंट किया था इको का वो भी सेम बिल्कुल 160, इसके अंदर भी 160 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस पड़ता है। व्हील बेस की बात करोगे तो वो पड़ता है आपको 2360 mm का। देन गाड़ी का टर्निंग रेडियस आता है 4.66 mm का। हम गाड़ी के फ्रंट से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी करेंगे इंजन से बात, तो भाई इंजन के लिए हमें बॉनट खोलना पड़ेगा, तो बॉनट हमने ओपन कर लिया है। तो गाड़ी के अंदर आता है 800 cc का इंजन आता है इसका FAD के नाम से। और आप इसके इंजन की बात करोगे तो आपको 50 bhp की पावर और 70 Nm टॉर्क की आपको ये पावर जनरेट करके देती है। मारुति सुजुकी ऑल्टो VXI वेरिएंट पेट्रोल के अंदर और 3 सिलेंडर इंजन गाड़ी के अंदर आता है। बाकी यहाँ पे आपको मिल जाएगा वाइपर वॉशर का, अपना पानी फुल कराने का। राइट हैंड साइड आपकी बैटरी की प्लेसमेंट दिख जाएगी। इससे बात कर लेते हैं तो फ्रंट के अंदर आपको मिल जाएंगे हैलोजन लाइट्स विद आपका टर्न इंडिकेटर्स। नीचे आपको फॉग लैंप का ऑप्शन मिलता नहीं है, DRLs आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से लगवा सकते हैं। देन आपको फ्रंट के अंदर आपको ग्रिल दिख जाएगी, इस टाइप से आपकी ग्रिल आएगी फ्रंट के अंदर। देन आपका अंदर ही रेडिएटर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आपके लगेगी फ्रंट की नंबर प्लेट, मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। देन यहाँ पर आपको मिल जाती है ग्रिल जो कि आपका मैट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। भाई गाड़ी थोड़ी गंदी हो रखी है, गाड़ी हम वीडियो बनाने के लिए मैं स्टॉक यार्ड में आ रखा हूँ और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पसीने देख सकते हो इतने ज़्यादा पसीने आ रहे हैं ना मुझे फिलहाल में, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। लेकिन आप सबके लिए कुछ भी भाई वीडियो बनाने आया हूँ तो भाई वीडियो पे अभी से लाइक कर देना। अगर हम फेंटर की बात कर लें गाड़ी की तो फेंटर पे आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, तो इस टाइप से आपके टर्न इंडिकेटर्स आएंगे। टायर साइज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर आते हैं C8 का टायर कंपनी से। अगर आपकी साइज़ की बात करोगे तो 145/80 R12 inch का स्टील रिम आता है ब्लैक कलर के अंदर, बिडिंग मिल जाती है मैट ब्लैक फिनिश के अंदर। ओवर रिम्स की बात करोगे तो मैनुअली आपको फोल्ड और अनफोल्ड करने को मिलेंगे जो कि आपका मैट ब्लैक फिनिश के अंदर आपको ओवर रिम्स आएंगे। देन आपको रूफ के अंदर मिल जाएगा एंटीना FM के लिए, देन रूफ रेल्स वगैरह आते नहीं है। रियर प्रोफाइलिंग में चलते हैं, आपको ऑल्टो की बैजिंग दी जाएगी, देन आपकी मारुति सुजुकी की ब्रांडिंग दी जाएगी, हाई माउंटेन स्टॉप लैंप दिख जाएगी आपको। बूट ओपन करना है तो भाई आपको फिजिकल की से आपका बूट जो है ओपन होगा इस टाइप से। गाड़ी के अंदर आ जाएगी आपको पार्सल ट्रे जो कि अच्छी खासी आपको मतलब हैवी क्वालिटी में मिलती है, मुझे अच्छी लगी पर्सनली वैसे VXI के अंदर, Alexa के अंदर तो आपको आती ही नहीं है। बूट स्पेस की बात करोगे तो भाई इसके अंदर आता है 180 लीटर का बूट स्पेस। लाइट्स की तरह चलते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे स्टॉप लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट। आप बम्पर की बात करते हैं तो दो सेंसर्स मिल जाते हैं बम्पर के ऊपर रियर के अंदर, आपको पीछे नंबर प्लेट जस्टिस नंबर प्लेट आपकी यहाँ पे फिटमेंट में आ जाएगी। देन जस्टिस करने के लिए यहाँ पे दो बल्ब लगे हुए हैं आपके येलो कलर के। अगर आप इसकी स्पेयर व्हील की बात करते हैं तो भाई आपको इस टाइप से आपके इसका स्पेयर व्हील आएगा जिसमें आपका साइज आएगा 145/80 R12 inch का स्टील रिम आता आपका ब्लैक कलर का, C8 का टायर इसके अंदर भी आएगा आपका। बूट को क्लोज कर लेते हैं, गाड़ी के अंदर आपको जैसे भी अपन लॉक करते हैं तो चारों पावर विंडो लॉक तो जाते हैं लेकिन कोई बीप नहीं करती है, अनलॉक पे भी कोई बीप नहीं करते, अभी मैंने अनलॉक कर लिया कार। ड्राइवर साइड डोर पर जाते हैं तो आपको डोर टोन इंटीरियर मिलता है गाड़ी का जो कि आपका ब्लैक और बेज कलर के अंदर है, और ये आपको यहाँ पे कोई कपड़े का यूज़ नहीं किया गया, प्लास्टिक का पार्ट मिलता है यहाँ पे आपको, कोई हार्ड प्लास्टिक है पूरी की पूरी। ये आपको ग्रैब हैंडल मिलता है। डोर ओपनर की बात करोगे सिल्वर फिनिश के अंदर डोर ओपनर आता है, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी, देन आपको हल्की फुल्की मैक पॉकेट्स मिल जाएंगी, राइट एडजस्टमेंट आपका यहाँ से हो जाएगा। सीट्स की बात करते हो तो भाई आपको ये 2-way एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देन आपका इजीली यहाँ से आपकी सीट्स अप एंड डाउन इजीली हो जाती है। आपको मिल जाएगा आपका फ्यूल लीड ओपन करने का ऑप्शन, देन आपको इस साइड मिल जाएगा आपका बूट ओपन करने का ऑप्शन। स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेप्स आपका स्टेयरिंग आएगा जिसमें स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश से फिनिश कर रखा है, SRS एयरबैग की ब्रांडिंग कर रखी है, मारुति सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे अपनी फिजिकल की लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप इजीली अपनी फिजिकल की तो आप अपना इजीली लगा सकते हो। देन आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएंगे आपके वाइपर से कंट्रोलर जो फ्रंट के वाइपर कंट्रोल करेंगे, राइट हैंड साइड आपके मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर, देन लाइट से कंट्रोलर,
फ्रंट में अगर हम बात कर लें इसमें क्लस्टर की, तो आपको भाई स्पीडोमीटर मिल जाता है, आरपीएम मीटर मिलता नहीं है। नीचे आपको मिल जाएगा आपका फ्यूल इंडिकेशन का, अभी हजार लाइट ऑन कर रखी है मैंने, तो इसको बंद कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर मिल जाएगा, हैंडबैग रिमाइंडर मिल जाएगा, बैटरी की लाइट वगैरह मिल जाएंगी। देन आप चाहो तो यहाँ से अपना अभी आपका ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आपका टाइम वगैरह शो करता है, देन डिस्टेंस शो करता है। तो इस टाइप से आपका आता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। एसी वेंट्स की बात करोगे तो भाई आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर एसी वेंट्स मिलते हैं, हजार लाइट यहाँ से आप अपनी ऑन कर सकते हो। देन आपको उसके अंदर मिलता है डबल डिन स्टीरियो, वॉल्यूम भी फुल हो रखी है। अगर मैं इसको एफएम पे लगाता हूँ, यहाँ से आपको कॉल रिसीव एंड डिक्लाइन का भी आपको मिल जाता है। तो पहले हम इसके यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑक्स का पोर्ट, यूएसबी का पोर्ट मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मैनुअली एसी जो कि अपने हाथ से आपको चलाना पड़ेगा। मैनुअली एसी मिलता है यहाँ पे आपको, बार बार का सॉकेट चार्जर मिल जाएगा, हल्की फुल्की स्पेसिंग, दो कप होल्डर मिल जाएंगे, फाइव स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन मिल जाएगा, फ्रंट पावर विंडो डाउन एंड अप करने का आपको यहीं फ्रंट में मिलता है। देन हैंडब्रेक मिल जाएगा, आर्म रेस्ट का ऑप्शन मिलता नहीं है गाड़ी के अंदर। एसआरएस एयरबैग की ब्रांडिंग दिख जाएगी आपको। ग्लव बॉक्स की बात करोगे तो ठीक ठाक आपको स्पेसिंग ग्लव बॉक्स के अंदर भी मिल जाती है। रियर व्यू मिरर की बात करते हो तो आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा, ऊपर में एक आपको लाइट्स मिल जाती है। वैनिटी पे एयरबैग की ब्रांडिंग कर रखी है, सेकेंडरी पे भी आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो फ्रंट तो इस टाइप से आपका देखने में आएगा। देन अगर आप इसके ओआरएम्स की बात करोगे तो भाई आपको मैनुअली सेट करने पड़ेंगे आपको इस टाइप से। रियर डोर की बात करते हो तो रियर डोर आपका भाई बॉडी कलर हैंडल के अंदर आता है। रियर डोर के मतलब आपको चारों डोर के जो हैंडल आएंगे वो बॉडी कलर के अंदर आएंगे। देन रियर मिरर की बात करोगे तो ये आपको मैनुअली डाउन एंड अप करोगे, इसको मैनुअली आपको करना पड़ेगा। फ्रंट के और रियर के जो हेडरेस्ट आते हैं फिटमेंट वाले आते हैं, एडजस्टमेंट वाले आपके नहीं आते हैं। ग्रैब हैंडल स्टेप से देखने में आ जाएगा। देन आपका सेम वही जो इंटीरियर फ्रंट डोर का रखे, देन रियर में ही वही आएगा ब्लैक एंड बेज कलर के अंदर। रियर से आपको स्टेप से आपकी सीट्स आएंगी। देन रियर में बैठते हैं तो फ्रंट डैशबोर्ड का कुछ स्टेप से देखने में आता है VXI का। देन आपको तीन तरफ मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल ऊपर की तरफ रूफ में। भाई गाइस अगर आप सब बोलते हो कि ऑल्टो VXI 2021 BS6 की अगर आप प्राइस की बात करते हो इस टाइम की, तो भाई वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि आपको कितने की ऑन रोड ये पड़ जाती है। आई होप गाइस अगर आप सबको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना ताकि आपको अपने भाई की वीडियो सबसे पहले मिल सके। भाई गाइस वीडियो देखने आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।